अभी मैं यहाँ पे आपको चेक करके बता दे रहा हूँ कि किसी भी बोर्ड में 25 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल कैसे चेक करते हैं डीएसओ के थ्रू। तो सबसे पहले इसमें आपका जो कपलिंग है, कपलिंग को एसी मोड पे क्लिक कर लेंगे और आपका जो प्रोप का नंबर है उसको हम लोग 10x कर लेंगे और आपका जो कपलिंग है, कपलिंग को डीसी से एसी पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद आपका जो ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल के साइड में लगा हुआ दो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के आगे एक रजिस्टर है, रजिस्टर का हम लोग दोनों आउटपुट, इनपुट और आउटपुट साइड में देख लेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि 25 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम लोग चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे, तो वहां पे देखिए आपका 25 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बन रहा है। हम लोग इनपुट और आउटपुट एरिया दोनों में चेक कर लेंगे, आउटपुट एरिया हम चेक करें तो यहाँ पे भी 25 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बन रहा है। तो अब इसी प्रकार किसी भी बोर्ड में पीसीएस के पास लगा कैपेसिटर का फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।